अभी हम आए हैं पिंगसान के बहुत ही पुराने पुलिस स्टेशन में, जो कि अभी ख़त्म करके इन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया, और सारी पुरानी चीज़ें जो भी टेंपल की थी वो उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दी हैं। तो चलें अब हम इसको देखते हैं, अंदर जाके चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसके फैमिली ट्री के बारे में बताया हुआ है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से 8th जनरेशन तक के बारे में लिखा हुआ है इनके बारे में। और ये भी लिखा हुआ है कि ये चाइना के एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव हुए, और उस सिटी से फिर ये हॉन्गकॉन्ग मूव हुए। और यहाँ पे चाइनीज़ में इनकी बुक के इनकी फैमिली के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। ये जो है ये टेंपल का मेन एंट्रेंस है, जो कि आपने पहले देखा टेंपल, और यहाँ पे उनकी फैमिली और टेंपल के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये चाइना जो टैंग कैलन है क्लैन है, वो चाइना की किस ओरिजिन से बिलोंग करता था, और उसके बाद वो हॉन्गकॉन्ग शिफ्ट हुआ, सब कुछ इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने इनकी प्लेट्स और बोल रखे हुए हैं, जिसमें ये लोग खाना खाते थे उस टाइम पे। और ऊपर ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि म्यूज़िक बजाने के लिए इस्तेमाल करते थे उस दौर में। यहाँ पे इन्होंने इनके वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि उस टाइम में ये अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते थे, और इन्होंने अपने घर लकड़ी और ईंटों से कैसे बनाए। तो ये यहाँ पे तख्त है जिस पे ये लोग बैठते थे और यूज़ करते थे बैठने के लिए। यहाँ पे ये फ़ैन है जो उस टाइम में यूज़ करते थे, और ये शूज़ हैं, और कैप है जो कि उन लोगों की है जो टेंपल में रहते थे, और ये सिटिंग चेयर है जो कि बेबी के लिए यूज़ की जाती थी। और ये यहाँ पे है ये जो खेती बाड़ी करने के लिए यूज़ करते थे चीज़ें, ये वो दिखा रखी गई हैं कि वो ये यूज़ करके अपनी फसलें वगैरह उगाते थे, और सब चीज़ें ही ऑलमोस्ट वुड की बनी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बॉक्सेस वुड के रखे हुए हैं, ये उस टाइम पे जब अगर किसी को गिफ्ट देते थे तो इस वुड के बॉक्स में पैक करके देते थे। और यहाँ पे ये मैरिज सर्टिफिकेट है, उस टाइम में मैरिज सर्टिफिकेट इस तरह का होता था, हैंडमेड हाथ से लिखा हुआ। और ये जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं, ये शादी में गिफ्ट इसमें डाल के देते थे लोगों को। और यहाँ पे ये बच्चे की ज्वेलरी रखी हुई है, जो कि बेबीज़ को पहनाने के लिए यूज़ की जाती थी, और ये ब्राइडल की ज्वेलरी है, ये भी आगे से एम्ब्राइडल के लिए यूज़ करते थे। और यहाँ पे है ये ब्राइडल का ड्रेस, जो कि रेड कलर में है और देखने में अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये लोग पास्ट में ये इस तरह के ड्रेसेस यूज़ करते थे। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है सब, ये जो हैं ये लोग अपनी इबादत के लिए उस टाइम पे यूज़ करते थे, इनके अंदर जो भी चीज़ें रख के ये लोग अपनी इबादत करते थे। ये डोली है जो उस टाइम पे ब्राइडल को लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इसमें उसको बैठा के तो शादी की जगह पे लेके जाते थे। और यहाँ पे ये है स्टोन, जो कि वेट लिफ्टिंग के लिए उस टाइम में यूज़ होता था, और जिसने आर्मी में जाना होता था वो भी इसका वेट उठा के उसके एग्ज़ाम लेते थे। और यहाँ पे तलवारें और तीर रखे हुए हैं, जो कि उस टाइम में जंगों में लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे उनकी एजुकेशन के बारे में लिखा है कि क्या क्या एजुकेशन ली थी और कहाँ से एजुकेशन हासिल की। और यहाँ पे नेशनलिटीज के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है उसकी, और उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में। और यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाया हुआ है उसका, और ये उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और नीचे करेंसी नोट लिखे बने हुए हैं, जो कि उस टाइम में नोट यूज़ किए जाते थे। और ये है उसकी पोनीटेल, जो कि उन्होंने काट के तो म्यूज़ियम में रख दिए ताकि लोग देख सकें कि वो किस तरह पोनी करता था अपनी।
और यहाँ पे कुछ मिलिट्री नोट्स लिखे हुए हैं, और ये लोगों से टेम्पल के बारे में ही मीडिया वाले पूछ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। और ये उसकी जैकेट है जो कि वो पहनता था, तो ये भी इन्होंने म्यूज़ियम में सेव करके रखी। ये यहाँ पे जो लोग पुराने टाइम में मर गए थे उनकी कब्रें बनाई हुई हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। अभी इस टाइम पे तो ये लोग इतनी बड़ी कब्रें नहीं बनाते, बहुत छोटी छोटी बनाते हैं। वो पीछे माउंटेन्स हैं और वो ट्रेन गुजर रही है। चले आए यहाँ पे कुछ मैप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें से एक मैप जो है वो 1945 का है, जो कि दूसरा वाला 2012 का है। और यहाँ पे जब इन्होंने इधर म्यूज़ियम सेट किया था तो उसके बारे में लिखा, और ये जो स्टडी टूर्स लेके आते हैं उनके बारे में है, और इस टेम्पल की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है ताकि लोग पढ़ के उनको पता लग सके। और ये यहाँ पे इनके डोर के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग ना हर डोर पे टाइगर या ऐसे कुछ लगाते हैं, और ये भी सेम टेम्पल के पिक्चर्स लगा के उनकी डेकोरेशंस और उनकी विंडोज़ और डोर्स के बारे में बताया गया। और यहाँ पे उनके रूफ टॉप के बारे में बताया गया कि वो किस चीज़ से बनी थी और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी। और यहाँ पे अगेन डेकोरेशन के बारे में बताया गया कि किस तरह उन्होंने डेकोरेशन की, वॉल पे एंड रूफ टॉप पे उन्होंने ड्रैगन्स लगाए हुए हैं एंड ये बुत वगैरह बनाए हुए हैं दीवारों पे। और ये जो हैं ये पिलर्स के बारे में डिस्कशन की हुई है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये इसका सब बाहर का हिस्सा है जो कि काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ग्रीनरी की वजह से। तो ये माउंटेन पे है तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे हाइकिंग करके आना पड़ा। और ये बाहर से बिल्डिंग इनकी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।